सच्ची झूठ बोलते आए हैं, और कितना बढ़िया झूठ हम अपने किसी दोस्त की किताबें लेके आ जाते थे, अपने पिताजी को दिखा देते, आज ये किताब जबरदस्ती इशू हो गई है, इसके बाद सावर में जमा करा रहे हैं, सावर में जेल रखी, अगले दिन पसीने आए हैं, साइकिल चला के जा रहे हैं, राजेश्वर प्रमोक्ता की पहली पिक्चर देख रहे हैं, वो रास्ते तीन दिन के बाद वो किताब दोस्त को वापस कर दी, ना पिताजी को याद रहा ना किसी और को याद रहा। ओके, कोई इंसान संसार में ऐसा नहीं है जिसने किसी की जान बचाने के लिए या किसी अच्छाई के लिए या वैसे ही जिंदगी में झूठ ना बोला हो। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है कि मैंने